शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया। पबजी हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। मां की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कबूला कि उसने रात को 2 बजे मां को गोली मारी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो जिंदा रही और तड़पती रही। मौत होने का इंतजार में वो बार बार दरवाजा खोलकर माँ को तड़पते हुए देखता था, फिर कमरे का लॉक बंद कर देता था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस काशिम आब्दी ने बताया कि साधना सिंह की हत्या करने वाले उसके 16 साल के बेटे से दोबारा पूछताछ की गई। इसमें उसने बताया कि 4 जून शनिवार की रात को मां के साथ ही सोया था। पिस्टल उसी कमरे में अलमारी में रखी थी। मां के सिरहाने से चाबी निकालकर करीब 2 बजे अलमारी से पिस्टल निकाली। पिस्टल के साथ ही मैगजीन और बुलेट रखे थे। मैगजीन की वजह से 3 बुलेट फर्श पर गिर गए। इसके बाद पिस्टल लेकर वह माँ के पास गया। बेड पर दाईं तरफ मां के साथ 10 साल की बेटी भी सोई थी। कातिल बेटे ने ऐसा अंदाजा था कि पिस्टल सटाकर मारने से बुलेट आर पार हो जाएगा और दूसरी तरफ सो रही बहन को गोली लग सकती है, इसलिए उसी तरफ से गोली मारी जिधर बहन सो रही थी। कातिल बेटे ने पुलिस को बताया कि गोली लगने के बाद मां बेड पर छटपटाने लगी। उसे वह उसी हालत में छोड़कर बहन को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। दूसरी गोली मारने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए माँ के मरने का इंतजार करने लगा। हर घंटे कमरे में जाता था और माँ को तड़पते हुए देखता था, लेकिन मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनकी जान बचाई जाए। हर बार पास जाकर नाक पर हाथ रखकर देखता था कि सांस रुकी कि नहीं। 10 घंटे में 8 बार उसने सांस चेक की। दोपहर 12 बजे आखिरी बार गया तो माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, सांस भी थम चुकी थी। तब जाकर बेटे को भरोसा हुआ कि अब माँ मर चुकी है। एडीसीपी का कहना है कि साधना के घर से पीजीआई अस्पताल की दूरी 2 किलोमीटर होगी। गोली सिर के पार हो गई थी, अगर समय पे इलाज होता तो बचने की पूरी संभावना थी। एडीसीपी कहते हैं कि आरोपी बेटी ने जब ये जानकारी दी तो गुस्से के साथ अफसोस भी हुआ कि काश कोई होता जो पुलिस को सूचना दे देता। साधना के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर के पैनल ने किया। पैनल में शामिल एक डॉक्टर ने बताया कि सोते समय गोली लगने से महिला कोमा में चली गई थी। गनशॉट के मामले में मौत की वजह शॉक एंड हैमरेज होता है, लेकिन साधना के जब गोली लगी तो वह गहरी नींद में थी, इसलिए ना शॉक लगा ना ही हैमरेज की स्थिति बनी। गोली बिना किसी ऐसे अंग को नुकसान पहुंचाए आर पार हो गई जिससे मौत काफी देर बाद हुई। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.